खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर में एक कॉम्प्लेक्स में गुरुवार सुबह आग लग गई। बेसमेंट पर बने बाइक सर्विस सेंटर से उस उठी आग सेकंड फ्लोर तक पहुंच गई, जहां कोचिंग चलती है। पढ़ाई कर रहे 70 से ज्यादा बच्चे फंस गए। इस दौरान कई बच्चे पीछे के रास्ते और छज्जे से कूदकर बाहर निकले। आग की लपटें देखकर बच्चों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। कानपुर बर्रा के सचान चौराहे पर विवेक सचान की एक 3 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके बेसमेंट में गाड़ी का शोरूम है। ग्राउंड फ्लोर पर क्लिनिक सहित कई दुकानें, दूसरे फ्लोर पर जुबेर कोचिंग चलाता है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। कोचिंग संचालन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डीएम विशाख जी ने बिल्डिंग को सील कर दिया। गाड़ी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्राउंड फ्लोर से होते हुए आग सेकंड फ्लोर तक पहुंच गए। उस दौरान कोचिंग करीब 70 बच्चे पढ़ रहे थे। आग लगते कुछ छात्र पीछे के रास्ते से और कुछ छज्जे से कूद कर जान बचाई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पहुंच गई। उन्होंने 2 घंटे पर आग पर काबू पाया। आग में फंसे बच्चों को सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला। आग लगने की सूचना पर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड, जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी और महापौर परमिला पांडे पहुंच गईं। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया, बेसमेंट में बाइक सर्विस सेंटर के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी से बिल्डिंग में आग लगने की जानकारी मिली। किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। पूरे मामले की जाँच की जाएगी। कोई पैथोलॉजी थी ना इसमें? नहीं है। काबू किया गया और क्या हालात है? थाना बर्रा क्षेत्र में एक ये ग्लोबल करियर एकेडमी करके कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलती है। इस बिल्डिंग में आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही थाना बर्रा पुलिस और फायर सर्विस की 4 गाड़ियां यहाँ पर तत्काल पहुँची है। सर्वप्रथम फायर सर्विस वालों ने कोचिंग क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बाहर से सीढ़ी लगा के सुरक्षित रूप से बाहर निकाला है। आग बेसमेंट में लगी थी, कोचिंग क्लास में नहीं लगी थी। बेसमेंट से जो आग लगी थी उसका धुआं ऊपर तक पहुँचा हुआ था। लगभग 25 बच्चों को यहाँ से सुरक्षित निकाला जा चुका है और आग भी पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। कोई किसी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। फायर सर्विस के और थाना पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे फायरमैन को इंजरीज भी हुई है। इसमें आग पे तत्काल काबू कर लिया था, आग बुझा दी गई है, लेकिन स्मोक बाहर निकालने के लिए, धुआं बाहर निकालने के लिए यहाँ पर जितनी भी खिड़कियाँ वगैरह थी उसको तोड़ के धुआं भी बाहर निकाला गया है। आग लगने के कारणों की अभी फायर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जामिन करेंगे उसको, किस वजह से आग लगी इसको इसका पता लगाएंगे। यहाँ बेसमेंट में कुछ कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, कुछ वर्कशॉप का सामान पड़ा हुआ था, उसी में आग लगी है। आग के कारणों का पता फायर एक्सपर्ट्स एग्जामिन करके लगा लेंगे। बिल्डिंग में आग से निपटने के लिए उपाय थे कुछ व्यवस्थाएं किस तरीके से? ये आप जानते ही हैं, ये पूर्ण शहर में मानकों के अनुरूप फायर फाइटिंग की व्यवस्था है या नहीं इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। 250 से अधिक यहाँ के प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स को एग्जामिन किया गया है और उसमें फायर इक्विपमेंट्स और फायर फाइटिंग की व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया है। अब इस घटना के बाद इसी सप्ताह में शहर में जितने भी कोचिंग क्लासेस चलते हैं, ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, उन सभी पे फायर मानकों के अनुसार व्यवस्था है या नहीं है इसका अभियान चलाकर इसको ठीक कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।